टनल नंबर 11 है। ये सब जो पर्वत दिख रहे हैं, ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये है पंडो डैम। ये देखो भाई, क्या यहाँ बादल फटते रहते हैं ना जब बारिश होती है। गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं निकल चुका हूँ एक और राइड करने के लिए, और इस बार राइड करने के लिए मैं जा रहा हूँ कुल्लू। ऑलरेडी मैं घर से निकल चुका हूँ और तकरीबन 30 किलोमीटर डिस्टेंस में तय कर चुका हूँ। अपने ब्लॉग की जो शुरुआत मैंने की है वो की है पालमपुर से, और पालमपुर में ये ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ, और ऊपर ये सब जो पर्वत दिख रहे हैं, एक दो ब्लॉग्स में दिखाए भी हैं, ये हैं धौलाधार माउंटेन्स। और कुल्लू का डिस्टेंस यहाँ से है तकरीबन 160 किलोमीटर, और 160 किलोमीटर तय करने में मुझे लगेंगे 5-5.5 घंटे। हिली एरिया है, कुल्लू एक्सप्लोर करेंगे जाके। राइड भी मेरे ख्याल से 3-4 डेज की होने वाली है, तो चलते हैं गाइस, लेट्स गो। गाइस सुंदर लग रहे हैं गमले रखे हुए रोड के बगल में, और मैंने अभी कर रहा है बैजनाथ क्रॉस। रोड तो अच्छा है, आगे जाके कैसे होगा ये नहीं पता, बट अभी तक तो अच्छा ही रोड मिला है, और ऐसा रोड रहेगा तो मज़ा आएगा, नहीं तो फिर ऑफ रोड वाला मज़ा आएगा अगर रोड ख़राब रहेगा। मज़े तो दोनों साइड आने वाले हैं। ए जा रही है जोगिंदर नगर। मैं बोल रहा था कि हिल्स के ऊपर में रोड बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको मैं रुक के दिखाऊं तो उस साइड जो है पहाड़ियों पे मकान है लोगों के, और ये देखो क्या ही सुंदर बना रखा है। इधर कोई मंदिर मुंदिर होगा। मंडी डिस्ट्रिक्ट वेलकम्स यू। यहाँ से मंडी है 74 और जोगिंदर नगर है 17 किलोमीटर। सो यहाँ से हो जाता है मंडी डिस्ट्रिक्ट शुरू। और ये फ्लैग्स कितने सुंदर लग रहे हैं, लगा रखे हैं, और ये नेशनल हाईवे 154 है। यहाँ से देखो लिखा है टेक ऑफ साइट एट बिलिंग 18 किलोमीटर है, मेरे लेफ्ट साइड से जाना है यहाँ से, और लैंडिंग साइट एट बीड 4 किलोमीटर है, और ये जाता है ऊपर की तरफ रास्ता। तो बीड में जो होती है लैंडिंग होती है, और बिलिंग से ऊपर से टेक ऑफ होता है। टाइम हो चुका है अभी 1:30, और अभी भूख तो नहीं लग रही है, बट कुछ एनर्जी ड्रिंक वगैरह मिल जाएगी तो पीऊँगा, और रुकूँगा थोड़ी देर। ये देखो भाई, यहाँ बादल फटते रहते हैं ना जब बारिश होती है, तो इन पहाड़ों का ये हाल हो जाता है, और ये हालत जो हाल हो रखा है बादल फटने से ही हुआ है। तो गाइस अभी मैं हूँ मंडी में, और थोड़ा सा समस्या, फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, बैटरी ड्रेन हो रही है, चार्ज नहीं हो रही है। सो देखते हैं चार्जिंग केबल चेंज करते हैं इसकी। सो गाइस यहाँ से ना 2.5 किलोमीटर के बाद कोई मुझे लेना है लेफ्ट। ओके 2.4 किलोमीटर का लेफ्ट है। मंडी ये है मंडी, कुल्लू मनाली सीधा जाएगा, दिल्ली चंडीगढ़ सीधा। ये कुल्लू मनाली के लिए यही रास्ता है। सो गाइस यहाँ से 71 किलोमीटर और है कुल्लू, ETA सेम है 4:30 का। मनाली 107 किलोमीटर यही जाता है कुल्लू मनाली वाला हाईवे। और अबे ब्यास नदी के किनारे किनारे चलते रहेंगे हम आगे। कहाँ जाना भाई, कुछ तो दे दे इंडिकेटर। ये मेरे जो लेफ्ट साइड में है ये है ब्यास रिवर। और बहुत टाइम बाद सेकेंड टाइम इस हाईवे पे मैं आ रहा हूँ अपने लाइफ टाइम में, हिमाचल का होने के बावजूद भी मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम इस रास्ते पे आ रहा हूँ।
मौसम प्लेजेंट है, हल्का ठंडा है। सुबह शाम ठंड ज़्यादा है, बट दिन में जो होती है ना धूप लगने से थोड़ी सी फर्क पड़ता है ठंड में। जब मैं फर्स्ट टाइम इधर आया था तो बस से आया था, पूरा दिन लग गया था। सुबह निकले थे, शाम को मनाली पहुँचे थे। रास्ते के हाल थोड़े से ख़राब हैं भाई, देखो पूरे पहाड़ों को काट रहे हैं, फॉलन शायद बनना होगा उसके लिए। देखो भाई बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं पहाड़ों को काटने में। पंजाब रोडवेज की बस चल रही है भाई, पंजाब से आई है। सर गाइस ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये है पंडो डैम। देखो मैं कहाँ से नीचे से ऊपर आया हूँ मैं। सो ब्यूटीफुल, 50 किलोमीटर और बचा है गाइस सफ़र यहाँ से। सो चलते हैं, धूल ही धूल हो रखा है, काम चल रहा है ना इसलिए ऐसा है। पीछे आ तो नहीं रही गाड़ी, थर्टी 37% चार्ज तो हुआ है और रोड बहुत ही सुंदर है। कोई रेलिंग नहीं है, यहाँ से छूटे तो सीधे डैम में डुबकी लगाएंगे जाके। चलो जी, 1 घंटा 10 मिनट का सफर हो रहा है और यहाँ से तो चलो ठीक है, फिर से 4 लेन मिल गया। ले 512 किलोमीटर है और मनाली 86 किलोमीटर है इधर से। भाई कितनी बड़ी चट्टाने हैं सर के ऊपर, गिरे तो चटनी बन जाए इंसान की। ये जो रोड है ब्यास रिवर के बगल में चल रहा है सारा। मनाली दिल्ली पता नहीं कितनी बसें चलती हैं, मनाली से भी दिल्ली के लिए बहुत सारी बसेज हैं, वोल्वो भी हैं, ऑर्डनरी भी हैं, प्राइवेट बस ऑपरेटर भी चलाते हैं, बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट की भी हैं। ये देखो भाई ये बनी ऊपर टनल्स एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के लिए, काम चालू है, जब बन के हो जाएगी कंप्लीट तो जा सकते हैं इसमें भी। सो पहाड़ों को जो काट के रोड बन रहे हैं, देखो भाई ब्रिजेस बना दिए हैं, सब डेवलपमेंट चल रहा है सब। और यहाँ से कोई आ नहीं रहा तो हम ओवरटेक कर ले, क्यों ना कर सकते हैं ओवरटेक। यहाँ पे कोई और ब्रिज बना हुआ है, यहाँ से देखने से कितनी सुंदर लग रही है, टनल नंबर 11 है। सो गाइस चलो 56 मिनट का रास्ता है और ये देखो भाई क्या ही सुंदर टनल है, मजा आ रहा भाई। शायद एग्जिट आ गया है आगे,
अति सुंदर। यह टनलें बनी, इनको देख के दिल खुश हो जाता है। और एक ख़त्म हुई और दूसरी स्टार्ट, एक और टनल आगे है। हाँ भाई, एक टनल नंबर 12 है। टायर पंक्चर हो गया गाड़ी का। भाई मैं फास्ट नहीं चलाऊंगा, मैं 50 या 60 के बीच मेंटेन कर रहा हूँ। मेरे को एंजॉय करना है, टनल के अंदर राइड करना, मैं इसको एंजॉय करना चाहता हूँ, इसलिए मैं फास्ट नहीं चला रहा हूँ। और मज़ा आ रहा है, गाड़ियाँ जो ओवरटेक करती है करने दो उनको, हम करेंगे बाहर जाके ओवरटेक, जहाँ पे उबड़ खाबड़ वाले रोड हो वहाँ पे करने का मज़ा आता है ओवरटेक। चलो एग्जिट आ गया, अब निकल गए हम टनल से बाहर। चलो जी, और ऐसे रोड होंगे तो मनाली तो बार बार आने का मन करेगा। 486 किलोमीटर है ले और मनाली बीच में पड़ता है। दिल खुश हो गया। ये आ रही है ब्यास नदी ऊपर से, राफ्टिंग भी होती है। ओनली पहाड़ियों पे अभी धूप बची हुई है और बाकी बिल्कुल ठंडा है मौसम, ठंडा है, धूप जा चुकी है। कुल्लू के लिए है क्या? ओके, कुल्लू के लिए यहाँ से जाना है। सो गाइस, पहुँच चुका हूँ कुल्लू, वेलकम टू कुल्लू। सो गाइस, मैं रुका हूँ कुल्लू में। आज धूल से ना फेस के 12 बज गए हैं, पूरा धूल ही धूल है। एक बजट फ्रेंडली रूम ले लिया मैंने इधर कुल्लू में। सो जल्दी से मैं फ्रेश हो जाता हूँ गाइज, फिर चलते हैं डिनर करने के लिए। सो गाइज, मैं हो गया हूँ फ्रेश और अभी जा रहा हूँ डिनर करने के लिए। सो चलते हैं गाइज, प्लान प्लोन कल का जो होगा वो आके ही बनेगा सारा। जहाँ मैं रुका हूँ ये है रामा स्टे इन बेड एंड ब्रेकफास्ट, हो पाएगा तो ऑयल भी डलवा ही लूँगा। ये है कुल्लू। शर्मा जी क्या बनाते हैं, यही खा लेते हैं। सो हो गई पेट पूजा, बातें भी हो गई भाई से, अभी तेल डलवा लेते हैं, तेल डलवाने के बाद वापस चलेंगे। भैया फुल कर दो। सेवन पॉइंट सेवन लीटर। गाइज, मैं डिनर करके पहुंच चुका हूं रूम में और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और ऐसे मुझे प्यार देते रहिए गाइज। सो आप सभी से मिलता हूँ ब्लू सीरीज़ के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।